नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान में इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, वहाँ से अभी ये खबर आई है कि वहाँ पर लोग अपने इंटरनेट की सेवाओं को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो हमें वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। जी हेलो अंकुर जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी आप राजस्थान के कौन से इलाके से बात कर रहे हैं? इस समय हम यहाँ सिल्ली कैंप के पास बली पार्क के एक एरिया है, उसी एरिया से मैं अभी बात कर रहा हूँ। जी, तो आपको कब पता चला कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है? ये 3 बजे के आसपास मैं निकला मार्केट में कुछ मेडिसिन परचेज करने के लिए, तो मेडिसिन शॉप पे जाके वहाँ पे जब मुझे पेमेंट करना हुआ तो ऑनलाइन UPI नहीं चल रहा था। उनका कार्ड मशीन होता है, तो मैंने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करी तो उनकी मशीन भी कार्ड से नहीं चली, तो मैं पेमेंट कैसे करता हूँ? तो पता चला कि यहाँ अभी इंटरनेट की सर्विस रोक दी गई है किसी कारण से। जी, तो आपको लगभग 3 बजे के आसपास पता चला कि इंटरनेट नहीं चल रहा है? जी जी जब मुझे पेमेंट करना हुआ तो मैंने देखा कि इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा, उनका किसी का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मोबाइल नेटवर्क चल रहा था, बट इंटरनेट नहीं चल रहा था। जी, तो क्या आपको इसकी वजह पता है कि नहीं इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? जैसा कि मोबाइल पे मैसेज आया कि सरकार की तरफ से सेवाएं रोक दी गई है किसी कारण से, अगले सूचना आने तक का आपका इंटरनेट बंद रहेगा, ऐसा मैसेज आया था। टेक्स्ट मैसेज बाद में मैंने चेक किया तो काफी सारे लोग यहाँ पे परेशान है। किसी को पेमेंट करना है, कोई ऑनलाइन घर पे बात करना चाहता है, किसी को व्हाट्सएप पे कुछ सामान आया वो परचेज करना चाहता है, तो किसी का इंटरनेट नहीं चले, जिससे काफी लोग यहाँ पे परेशान है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा अभी आपने हमारे सहयोगी को सुना कि वो मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने गए थे, उसके बाद जब वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे तो इंटरनेट नहीं चल रहा था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। इतने में उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपकी अगली सूचना मिलने तक आपका इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वहीं हमारे दूसरे सूत्रों से पता चल रहा है कि राजस्थान में हो रहे रीट एग्ज़ाम के चलते इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। दरअसल खबर ये भी आ रही है कि राजस्थान में हो रहे रीट एग्ज़ाम के पेपर पहले ही लीक हो चुके थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाए। सूचना ये भी आ रही है कि अभी तक पुलिस ने इस आरोप में 19 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के आरोपियों की जांच कर रही हैं। ऐसी ही खबरें जानने के लिए फॉलो करें N27 न्यूज को। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।